आज दुनिया भर च मनाया जा रहा श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पुरब। वड्डी गिणती च गुरु घरां च नतमस्तक हो रही संगत। सुल्तानपुर लोधी च खास प्रोग्राम। पंजाब च अज तो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की होगी शुरुआत। अमृतसर रेलवे स्टेशन तो 12 बजे चल के धूरी होंदे हुए हजूर साहब जावेगी ट्रेन। मुफ्त यात्रा कर सकेंगे बुजुर्ग। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान का अज धूरी दौरा। जनसभा नूं करनगे संबोधन। तीर्थ यात्रियों लई बसां नूं विखाउणगे हरी झंडी। चंडीगढ़ बॉर्डर से किसानों ने लगाया मोर्चा। पंजाब भर तो वड्डी गिनती ट्रैक्टर ट्राली लेके पहुंचे किसान। आज चंडीगढ़ कूच करन ते बनाई जा सकती है रणनीति। कैनेडा अटैक तो बाद न्यूज़ 18 ते गिप्पी गरेवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा मैनू नहीं पता क्यों होया करते हमला। सलमान खान नाल नहीं कोई नेड़ता। गरेवाल के घर से हुई फायरिंग तो बाद बलकौर सिंह का वड्डा बयान। इंडिया च गिप्पी ता कैनेडा च फायरिंग क्यों। कहा 5 साल पहला साडे वी सी एहो हालात। इकले इकले दी आवेगी वारी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा। देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। साडे सारे ही व्यूअर्स नूं गुरपुरब दियां लख लख वधाईयां होईयां। बुलेटिन की शुरुआत करांगे, गल करांगे गिप्पी गरेवाल की। न्यूज 18 ते गिप्पी गरेवाल का वड्डा बयान सामने आया। दस दे कि कैनेडा फायरिंग तो बाद पहला इंटरव्यू दिता है गिप्पी गरेवाल। गिप्पी गरेवाल ने कहा है कि कैनेडा च मेरे घर से फायरिंग हुई है। रात 12 तो 1 बजे मेरे घर से फायरिंग की गई है। दस दे कि सानू नहीं पता ये फायरिंग क्यों। गिप्पी गरेवाल ने कहा है कि मेरा किसी नाल भी कोई भी दुश्मनी नहीं है। मेरी सलमान खान नाल कोई भी दोस्ती नहीं है। फिल्म के प्रमोशन से सलमान खान मैं बुलाया सी। गिप्पी ने कहा है कि मेरे कदर भी लॉरेंस के नाल गलबात नहीं हुई है, ना ही पहला लॉरेंस वालों कोई धमकी मिली है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू गिप्पी गरेवाल ने दिता है। दस दिए कि कल गिप्पी गरेवाल के जो वैंकूवर स्थित रिहायश है उसके घर के बाहर गोलियां चलिया गई सी। लैम्बोर्गिनी गड्डी है उसते भी गोलियां चलिया सी। इस तो बाद जो लॉरेंस बिश्नोई है एक पोस्ट पा के आज जिम्मेवारी लई हुई सी। हालांकि सलमान खान के नाल नेता का जिक्र इस पोस्ट किया गया सीगा। इस तो बाद गिप्पी गरेवाल का हुण बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रात तकरीबन 12 तो 1 बजे के विचकार मेरे घर से फायरिंग हुई सी। सानू नहीं पता कि ये फायरिंग क्यों हुई है। मेरा किसी नाल भी कोई भी दुश्मनी नहीं है। फिल्म के प्रमोशन से सलमान खान नूं मैं बुलाया सीगा ते मेरी कदे भी लॉरेंस नाल गलबात नहीं हुई है। तो दस दिए कि कल जो फायरिंग की खबर सामने आई सी कैनेडा के जो वैंकूवर है उत्थे गिप्पी गरेवाल की रिहायश से फायरिंग हुई। गिप्पी गरेवाल जी बोल रहे हैं? जी, बोल रहा हूँ। गिप्पी जी, मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज 18 इंडिया से। ये कनाडा में कहाँ पे आपके घर पे फायरिंग हुई है और कब हुई है ये फायरिंग? ये रात को हुई जी, ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे। तो घर मेरा वेस्ट वैंकूवर में है, वहाँ पे हुई है। तो हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है। मतलब पता ही नहीं था कि ये कैसे, मतलब ये कैसे हो गया। और आपकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है ये कोई? जी हुई है, उसके ऊपर भी हुई है, गाड़ी के ऊपर भी हुई है, गैराज के ऊपर भी। गिप्पी जी, ये सलमान खान का नाम से एक पोस्ट आई है जिसमें सलमान खान के नाम का जिक्र है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, उसमें दाऊद का नाम है, ये आपका क्या एंगल आ रहा है? एक्चुअली जब ये वारदात हुई तो पहले तो मैं ये शॉक था, क्योंकि आज तक जिंदगी में कंट्रोवर्स में नहीं डला, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन हो सकता है, मैंने ऐसा क्या। तो वो तो मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि सलमान खान का जब नाम आया तो मेरी कौन सी सलमान खान के साथ दोस्ती है। तो एज अ मतलब मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ पे गया, प्रोड्यूसर जिसकी फिल्म थी उन्होंने सलमान को ट्रेलर लॉन्च में बुला लिया, मैं तो खुद उसको वहाँ पे मिला हूँ। उससे पहले मैं बिग बॉस में गया था तो तब मिला था। मेरा कुछ लेन देन ही नहीं है, ना कुछ पूछता है, या तो वो ना बहुत दोस्त है, मेरी फ्रेंडशिप है, जहाँ उसका गुस्सा चला जा रहा है। तो मेरे लिए तो
मतलब अभी भी शॉकिंग है, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा इस पूरे चैप्टर को कि मेरे साथ क्या हुआ। गिप्पी जी, क्या लॉरेन बिश्नोई ने कभी आपको धमकी दी थी इसके पहले? और आप पंजाब जाते हैं तो आपको सुरक्षा मिलती है, आप मोहाली के रहने वाले हैं। एक्चुअली लॉरेंस बिश्नोई ने मुझे कभी कॉल लिया, अभी भी नहीं आया कोई मुझे कॉल, मतलब पहले भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। जब ये चीज हुई तो मैं, मेरे को तो यही था कि ये हुआ क्या, मतलब क्योंकि तो मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा पूरी चीज, तो अभी आप समझ सकते हैं मेरी। तो आपको किस पे शक हो रहा है? आपकी लॉरेंस से कोई दुश्मनी नहीं, कोई फिरौती या आपसे पैसे मांगे गए हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, बट अभी जो उन्होंने पोस्ट पाई है वो मुझे समझ नहीं आई, मतलब कि मैं, या तो होता कि मतलब पता होता है कि यार ये बंदा उसका दोस्त है या कुछ ऐसे है, या उनको सकता है कि उनको ये बुराई बहुत लगा कि ये चीज है, वो मुझे समझ नहीं लगी। बट मेरी कोई दोस्ती नहीं है उन सलमान के साथ, कुछ ऐसा नहीं है। वहां पे गए तो ट्रेलर लॉन्च किया, वहां पे और भी आर्टिस्ट थे वो भी गए थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बिग बॉस की बात कर रहे हैं? बिग बॉस की नहीं जी, ट्रेलर लॉन्च की बात कर रहे हैं। जब हमारी फिल्म आई थी मौजे मौजा, उसका ट्रेलर लॉन्च, उसमें सलमान खान आए थे जी, उसपे आए। तो आपकी सलमान खान से कोई दोस्ती नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल। और मैं उनको एज ए स्टार जानता हूँ जैसे बाकी लोग। और गिप्पी जी, आप घर में मौजूद थे जब ये फायरिंग हुई है? नहीं जी, मैं मौजूद नहीं था, मैं बाहर था। ये कनाडा में कहाँ है आपका घर जहाँ पर ये फायरिंग हुई? बताया जी, पहले वेस्ट बैंक। और आपने पुलिस को सूचना दी है कनाडा में? जी जी, शुक्रिया हम न्यूज 18 से बात करने के लिए। सिद्धू मूसे के पिता बलकौर सिंह का भी वड्डा बयान आया है। बलकौर सिंह ने कहा है कि गिप्पी गरेवाल के घर से फायरिंग से, बलकौर सिंह ने कहा है कि गिप्पी इंडिया च ते फायरिंग कैनेडा च क्यों, विदेश च फायरिंग का मकसद की है? 5 साल पहला साढ़े भी एहो ही हालात सीगे, वारी इकले इकले दी आई ते कल जो है गिप्पी गरेवाल के घर से फायरिंग हुई सी, इसके उचाले उन्होंने गड्डी से फायरिंग की गई सी। दसदे कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने एक पोस्ट पाके इस फायरिंग की जिम्मेवारी ली सी, सलमान खान नाल नेता का जिक्र इस पोस्ट किया गया सीगा। उस तो बाद सिद्धू मूसले के पिता बलकौर सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गिप्पी इंडिया च ते फायरिंग कैनेडा च, विदेश च फायरिंग का मकसद की है? 5 साल पहला साढ़े भी एहो जिही हालात सीगे, वारी इकले इकले भी आवे। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਮਝ ਜਾਓ, ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਆਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਲੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਕ ਤਾਂ ਬਾਜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਊਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਕ ਤਾਂ ਬਾਜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਖੜਕਾ, ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੀਵੀ ਨਵੀਂ ਚੜਨੇ ਹੋ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਉਸਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਕਦੇ। ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਓ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਣਗੀਆਂ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। अगे वधांगे ते गल करांगे किसानां दी, अपने मंगां नूं लैके किसानां ने 3 दिन दा अपना मोर्चा शुरू कर दिता है। ते पंजाब भर तो वड्डी गिनती च किसान राशन पानी लैके मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते पहुंच गए, जिन्हां नूं रोकण लई चंडीगढ़ बॉर्डर ते वड्डी गिनती च पुलिस कर्मियां नूं तैनात कीता गया है। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
तीन साल बाद मुड़ उस तरह तस्वीर सामने आई, पर इस बार किसानों ने मोर्चा दिल्ली की थां मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर से लाया। 26, 27, 28 तक के धरने लैके पंजाब भर तो वड्डी गिणती विच किसान चंडीगढ़ दियां ब्रूहां ते बैठ गए। किसान अपने नाल तीन दिन का राशन पानी भी लैके आए ने ते सड़क ते ही लंगर बनाया जा वरताई। उधर इस विचाले किसानों के इस मोर्चे विच किसान आगू हरिंदर सिंह लखोवाल भी पहुंचे ते पंजाब सरकार नूं अपने हिस्से दियां मंगां मनण दी अपील कीती ते नाल ही केंद्र दे खिलाफ संघर्ष जारी रहण दी गल आखी। फाइनल मंगा कि सेंटर ना तो लड़ाई साड़ी चलती रहनी है, सेंटर ना तो साड़ियां सारियां स्टेटां च लड़ाई है। उस तो बाद हो सकता भी कोई बड़ा धरना सी दिल्ली वालों भी अगला इलेक्शन तो पहला कर लीए, ये पार्टियां फैसला कर लेनियां। सेंटर ना लड़ाई साड़ी लंबी है पर पंजाब नू आपदी निबेड़ लेनी। किसानों के इस मोर्चे दे विच शामिल होने दे लई बुजुर्ग किसान अते वड्डी गिणती विच औरतां भी पहुंचियां ने ते कहा कि उन्हां नू धरनियां विच जाण दा कोई शौक नहीं है, पर सरकारां वल्लों जायज़ मंगा ना मनन कारण ही उह इह राह चुनण दे लई मजबूर ने। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੌਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੋ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੱਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਗੋਲਫ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਫੈਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫੈਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਜੰਕਸ਼ਨ 63 ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜਗਤਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ 48-79 ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰ 46-47-48-49 ਚੌਕ ਜੰਕਸ਼ਨ 62 ਤੋਂ ਰੋਡ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਈਆਂ, CRP ਦੀ RAF ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੋਡ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 48 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26, 27 ਤੇ 28 ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, News 18 ਪੰਜਾਬ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਾਰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਹੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ
जिसकी ड्राइवर साइड का शीशा गोली लगन नाल टुट चुका है। सीट के हेठा एक पिस्तौल पई है ते आस पास पुलिस ही पुलिस है। मामला पुलिस ते बदमाशां दे विच होई मुठभेड़ का है। पुलिस नूं जानकारी मिली सी कि बदमाश अमृतसर तो गड्डी खो के मोहाली वाल आ रहे ने, जिस तों बाद पुलिस ने नाकेबंदी की तो बड़ माजरा पिंड के नेड़े बदमाशां ने पुलिस से फायरिंग कर दी ते फिर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाईया। इनफॉरमेशन ये है कि गन पॉइंट जो तीन लटेरे ने उन्होंने गड्डी खोई है, जिन्हों में एक सरदार है, दो मुन्ने हैं। ठीक है, गन पॉइंट से गड्डी खोई है उन्होंने, तो इन बिटवीन जो असं खड़े तो उन्होंने चेजिंग की है, उन्होंने अंदरों फायरिंग की है, फायरिंग पुलिस पार्टी से फायरिंग की है। ठीक है, और जी जवाबी पुलिस फायरिंग ने जी उन्होंने टायरों के गोली और प्लस एक जी शीशे तस्वीर तुम दिखा दो विनोद जी, ये तस्वीर दिखा दो इस वारदात दे तार अमृतसर दे पौश इलाके मजीठा रोड ते हुई कार लुट नाल जुड़े हुए दसे जा रहे ने। दरअसल बदमाश गन पॉइंट से एक डॉक्टर तो गड्डी खो के फरार हुए सी। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर से फायरिंग भी की सी, जिस तो बाद उन्होंने तलाश च हर जगह पुलिस नूं अलर्ट कर दिता गया सी। साढ़े ग्यारह डॉक्टर तरुण देरी जी है, वह इतने आए थे डॉक्टर केड़ी दी रिहायश से, उन्होंने जी फैमिली छड़न आए थे, तो डॉक्टर तरुण देरी जी गड्डी से स्नैच करके लै गए दो अणपछाते व्यक्ति। हाँ जी, गोली का इंसिडेंट भी हुआ, अजय फिलहाल एक का ही पता लग्या होया। हाँ जी, हाँ जी, कोल मिल गया, उन्होंने गड्डी सी स्नैच करके लै जाने। मुठभेड़ तो बाद आरोपी गड्डी छड़ के फरार हो गए, जिन्हां दी तलाश च पुलिस ने आसपास दे इलाके नूं सील कर दिता है। पुलिस नूं शक है कि बदमाश आसपास ही किते छिपे हुए ने, ते उन्हां नूं छेती गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोहाली तो मनोज राठी ते अमृतसर तो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। मोहाली तो फरार होए बदमाशां दीआं तस्वीरां सामने आईआं। दस्सदे कि न्यूज़ 18 कोल बदमाशां दीआं एक्सक्लूसिव तस्वीरां ने। दरअसल CIA स्टाफ लगातार इन्हां बदमाशां दी भाल कर रही है। बदमाशां दी भाल च कई पुलिस टीमां दा गठन भी कीता गया। दस्सदे कि अमृतसर तो गड्डी खो के आ तिन्ने ही बदमाश भजे सीगे। पुलिस वल्लों रोकण ते इन्हां बदमाशां दे वल्लों पुलिस ते ही फायरिंग कर दित्ती गई सीगी। जुझार नगर च बदमाशां ने कार छड्डी सीगी ते कार छड्ड के उत्थों फरार हो गए सीगे। दस्सदे कि मोहाली सहित टीम ते बदमाशां विचाले मुठभेड़ हुई सी ते मौके दी CCTV फुटेज भी सामने आई सी। न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव तस्वीरां ने वेख्या जा सकता है कि तिन्ने बदमाश गड्डी छड़ के लग्जरी गड्डी छड़ के उत्थों भजदे होए विखाई दे रहे ने। जो CIA स्टाफ है लगातार इन्हां बदमाशां दी भाल कर रही है। पूरा मामला अमृतसर नाल जुड़िया होया। अमृतसर च एक डॉक्टर तो लग्जरी गड्डी आ बदमाश खो के उत्थों फरार हो गए। जिस तो बाद पुलिस नूं इहदी इनफॉर्मेशन मिली, हालांकि गड्डी रिकवर कर ली है, लेकिन तीन बदमाश उन्हां दी भी सर्च ऑपरेशन की जा रही है। साडे नाल सीनियर ऑफिसर ने DSP CIA गुरशेर सिंह संधू ने। संधू सर, की इनफॉर्मेशन सी हुण तक दी अपडेट? असीं गल करी सानू ना अज करीब 1:15 बालातर अफसरां वल्लों हुकम आया सीगा और कंट्रोल तक मैसेज आया सी कि कल रात नूं एक अमृतसर नॉर्थ दे एरिया विचों पॉश एरिया दे विचों एक ऑडी गड्डी जिहड़ी आ उह स्नैच की गई है और ये 3 to 4 अणपछाते जिन्होंने गड्डी स्नैच की सी। और सानू इनफॉर्मेशन ये मिली सी कि इन्होंने जिहड़ा रोपड़ का टोल प्लाजा है 12:44 इन्होंने क्रॉस किया है। उस इनफॉरमेशन के उत्ते एक्ट करदे हुए साडी CIA टीम अंडर सुपरविजन ऑफ इंस्पैक्टर शिव कुमार इन्हों राउंड अप करने जी पार्टियां उतों 3-4 पार्टीज भेजियां और एक पार्टी ने हमारा ग्रीन लग जो नाकाबंदी की हुई सी। ये जिहड़े उपरोक्त व्यक्ति सीगे खोई हुई गड्डी नाल इन्होंने नाकाबंदी तोड़ी। उस तो बाद पुलिस पार्टी ने चेस किया, चेस के दारा स्टूडियो लागे आ गए ये जिहड़े स्नैचर सीगे इन्होंने पुलिस पार्टी तो फायरिंग की। मैं तुम्हें दसना चाहूँगा कल गड्डी स्नैच करने तो बाद भी अमृतसर में भी 2 नाके इन्होंने जिहड़े ब्रीच किए हैं और उत्ते पुलिस पार्टी से फायरिंग की है। ओके, सर हुण तक दी इन्वेस्टिगेशन सामने आया कि एक बदमाश कौन ने, इन्हां दी थोड़ी जी क्रिमिनल बैकग्राउंड दी आपां गल करो। सानू लीड मिली है जी, असीं मीडिया नाल नहीं डिस्कलोज करांगे बट जल्दी जिहड़े बदमाश ने फड़े जाणगे और असीं मीडिया नूं थ्रू एप्रोप्रिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस असीं ब्रीफ करांगे। हुण तक दी सिचुएशन की है सर, सर्च ऑपरेशन जारी है, कोई क्ल्यू या किसी तरह की कोई गिरफ्तारी हुई? गड्डी दे विचों सानू एक इलीगल वैपन मिलिया जी 30 बोर दा और 3 जिहड़े ने लाइव कार्ट्रिज और एक जिहड़ा खाली खोल जिहड़ा बरामद होया। असीं हुण इहदे विच एक FIR लॉन्च करके इत्थे इहनां दी भाल कर रहे हैं और साडियां टीमां खर DSP 1 खर DSP 2
SPD साहब की सुपरविजन साड़ियां तीन टीमां बन गईयां ने। ठीक है, और यह सारा एरिया जिहड़ा असीं हुण कॉम्बिंग ऑपरेशन चलावांगे इत्थे, और वह बदमाशां नूं जल्द फड़ांगे। सर, इनिशियली इन्वेस्टिगेशन च की सामने आया, इत्थे किसी वारदात नूं अंजाम देना सी, गड्डी डंप करनी सी, या किस वास्ते इत्थे पहुंचे सी? फिलहाल तो एक गल सामने आ रही है कि इन्होंने कल गड्डी जिहड़ी खोही सी, और खोण तो बाद इत्थे आए सी, हुण किहड़े मनसूबे नाल आए सीगे उन्हां दी गिरफ्तारी तो बाद ही पता लगेगा।